को जब तक अच्छे से नहीं खेल पाओगे, जब तक आपका पुल शॉट स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि आप अगर आप किसी फास्ट बॉलर के सामने बैटिंग कर रहे हो तो वो आपको कुछ टाइम बाद शॉर्ट पिच बॉल कभी भी मार सकता है। तो शॉर्ट पिच बॉल खेलने के लिए आपका पुल शॉट बहुत अच्छा होना जरूरी है। ओके, आपके अगर फ्रंट फुट ड्राइव, बैक फुट ड्राइव, कट शॉट अभी ठीक है, तो शॉर्ट पिच बॉल भी आपके स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब पुल शॉट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो आज की अपनी ड्रिल में मैं आपको एक क्विक ड्रिल बताने वाला हूं, जिसमें मैं बॉल फीड करूंगा करीब 130 की स्पीड से, 130 किलोमीटर पर आवर, और 135 भी जा सकता है। और मैं सामने साथ ही साथ उसको बताऊंगा कि किस टेक्निक को फॉलो करके आप 130 बॉल पर क्विक मूवमेंट के साथ में पुल शॉट खेल सकते हो। तो आज की वीडियो में आपको ये सीखने को मिला, तो बने रहिए और वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। चलिए, तो ये ड्रिल करने से पहले आपको एक्चुअली पता होना चाहिए कि पुल शॉट खेलना कैसे है, क्योंकि ये ड्रिल हम पुल शॉट को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हैं। जब बॉल बहुत ज़्यादा स्पीड से आता है तो क्विकली आप 130 पुल शॉट पर कैसे बॉडी आपकी 130 प्लस जब आप स्पीड को फोकस फेस कर रहे हो, तो आपको उस पर आपकी बॉडी क्विक रिएक्ट कैसे करेगी। इसीलिए आपको अगर पुल शॉट की स्किल नहीं पता कैसे आपको पुल शॉट खेलना है, तो मैंने अपनी पहले एक वीडियो बनाया हुआ पुराना, जगह आप चेक कर सकते हैं किस स्किल को फॉलो करते हुए पुल शॉट खेलना है। इस वीडियो में आपको खाली बताऊंगा आप इस ड्रिल के साथ में आप अपनी बॉडी को क्विक कैसे रेडी कर सकते हो। तो बी हेयर एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। ओके, अभी जब हम इस ड्रिल को कर रहे हैं तो मेक श्योर तेरा ट्रिगर मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप फास्ट बॉलिंग को फेस कर रहे हो तो आपका ट्रिगर मूवमेंट आप कैसे कर रहे हो, कितना केयरफुली कर रहे हो ट्रिगर मूवमेंट करते हुए, आपकी आँखें हिल रही नहीं हिल रही हैं, ट्रिगर मूवमेंट करते हुए आँखें बिल्कुल नहीं हिलनी चाहिए, ठीक है। ओके, लेट्स गो, कम ऑन, गुड शॉट, शाबाश। चलो, ऑफ स्टंप के बाहर से बॉल पिक नहीं करना है, ऑफ स्टंप बाहर बॉल छोड़ देना है, ठीक है। चलो, हेलमेट वाले बॉल को नीचे खेलने का ट्राई नहीं करना है, क्योंकि बॉल हेलमेट से बॉल नीचे नहीं आ सकता। अभी तू क्या कर रहा है, अभी जो तुझे बॉल ऑफ स्टंप बाहर मिल रहा है, उस ऑफ स्टंप से ही बॉल को तू लेग स्टंप पे खींच रहा है। यहाँ से बॉल अगर लेग स्टंप पे खींचेगा तो इंपैक्ट यहाँ हो जाएगा, यहाँ इंपैक्ट हो गया तो फिर बॉल नहीं खड़ा हो सकता है। मैंने क्या बताया, पुल शॉट में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपैक्ट एकदम बॉडी के सामने होना चाहिए। और अगर तू बॉल ऑफ स्टंप से खींचेगा तो इंपैक्ट बॉडी के बाहर हो जाएगा, बॉल खड़ा हो जाएगा। तो बॉल को पहले जल्दी पिक कर, अगर बॉल ऑफ स्टंप आ रहा है तो बॉल छोड़ दे। अभी हम पुल शॉट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो खाली बस जो बॉल तेरे बॉडी पे आ रहे हैं और थोड़ा सा ऑफ स्टंप के आसपास है, उस बॉल को यहाँ से पिक कर, बॉल के ऊपर चढ़ के बैक फुट को रोटेट करके यहाँ से पुल शॉट मार दे। पुल शॉट ज़्यादा हार्ड मारने नहीं जाएंगे हम, खाली बस क्या करेंगे, वी ट्राई टू मिडल द बॉल, खाली बैट के जो फीट पार्ट है वहाँ पे बॉल को हिट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और हम उसी बॉल को नीचे मारेंगे जो बॉल हमारे कंधे तक है, हेलमेट के ऊपर वाले बॉल को नीचे नहीं मारेंगे, उसको हम लॉफ्टेड ही मारेंगे, या फिर हेलमेट के ऊपर वाले बॉल को लीव कर देंगे, ठीक है। कम ऑन, लेट्स गो, लवली, गुड शॉट, शाबाश। ये फ्लैट सिक्स हो सकता है, शाबाश, गुड शॉट। बैक फुट पर पूरा बॉडी रोटेट करना है, हेलमेट के ऊपर से बॉल नीचे रखने पे ग्राउंड पर नहीं रखेंगे, लॉफ्टेड ही मारेंगे हेलमेट के ऊपर से। हाँ, लवली, गुड शॉट, शाबाश, एक नंबर, शाबाश आकाश, वेल डन। इससे कैचिंग बैट से बॉल हिट कर रहा हूँ, इससे क्या है, इससे एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके हिट नहीं कर पाएंगे, अपने अकेडमी के कोचेज से बोलिए आपको ये ड्रिल अकेडमी में करवाएं। इससे एक्यूरेसी बॉल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बॉल आपके शोल्डर के हाइट के आसपास जाना चाहिए। मैं इसको बॉल को काफ़ी फास्ट हिट कर रहा हूँ, तो बॉल आराम से 130 प्लस किलोमीटर पर आवर जा रहा होगा। आप देखो वीडियो में कितना कम रिएक्शन टाइम मिल रहा है उसको, बॉल को ज़्यादा हार्ड हिट करने नहीं जाएंगे, ठीक है, शाबाश, गुड शॉट, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखिए, ऑफ स्टंप के बाहर से तूने खींचा बॉल, इसीलिए बॉल थोड़ा लॉफ्टेड गया है, ऑफ स्टंप बाहर बॉल छोड़ देंगे, गुड शॉट, बहुत बढ़िया, शाबाश। बॉडी को रोटेट करो बैक फुट की टोप है, गुड शॉट, शाबाश, गुड शॉट, ये सही हो जाएगा, गुड शॉट, शाबाश गाइस, चार शाबाश, बहुत बढ़िया। ओके, अभी आपको इस ड्रिल में क्या टेक्निक को फॉलो करना है वो आपको बता रहा हूँ, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। अपने स्टांस लेके सबसे पहले जैसे ही वहाँ से बॉल रिलीज हुआ, जैसे आपके ट्रेनर ने सामने से बॉल को हिट, आपके कोच जो वहाँ पे एकेडमी में प्रैक्टिस करा रहे हैं आपके सामने, या कोई जो बॉल फीड कर रहा है, जैसे उसने बॉल को हिट किया, हिट करने के लिए उसने बैट अपने ऊपर लिया, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने बॉडी को रेडी करना है विद अ ट्रिगर मूवमेंट। आपका ट्रिगर मूवमेंट कुछ भी हो सकता है, आपका ट्रिगर मूवमेंट ये भी हो सकता है, आपका ट्रिगर मूवमेंट पहले आप पीछे सफल करके खेल सकते हो। आपको बताना है ट्रिगर मूवमेंट कैसे लेना है, तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है स्पेशल हाउ टू टेक ट्रिगर मूवमेंट, आप जाके वहाँ चेक कर सकते हो और सीख सकते हो। तो आपको अपना ट्रिगर मूवमेंट लेने के बाद अपने बॉल पिक कर लिए कि बॉल आपकी बॉडी पे है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, पूरा बॉडी के वेट अपना बैक फुट पे ढकेल देंगे और बैक फुट ऊपर रोटेट होकर फुल शॉट खेल देंगे। इसमें आपको ध्यान रखना, आपको अपना ट्रिगर मूवमेंट के बाद अपना फ्रंट फुट को फ्री करना पड़ेगा, फ्रंट फुट को फ्री करते ही आपका पूरा बॉडी का वेट बैक फुट पे आ जाएगा, फिर यहाँ से आप अपने बैक फुट ऊपर बॉडी को रोटेट करेंगे और पुल शॉट खेल देंगे अपना स्क्वायर लेग या मिड विकेट साइड, या थोड़ा बॉल हाइट ही आया तो फिर इधर फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच में। आपको ध्यान रखना है, पुल शॉट खेलने के लिए आपकी बैकलिफ्ट हमेशा हाई रहनी चाहिए, हाई। अगर बैकलिफ्ट आप हाई बैकलिफ्ट के साथ में आप पुल शॉट खेलोगे तो आप बॉल को नीचे रखने में आप सक्षम रहोगे। अगर आपकी बैकलिफ्ट हाई नहीं रहेगी तो आप पुल शॉट को आप कभी भी नीचे नहीं मार पाओगे। सेकेंडली, आपका जो इम्पैक्ट बहुत मैटर करता है, आपका जो बैट और बॉल का इम्पैक्ट होगा वो इन फ्रंट ऑफ द बॉडी होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आप बॉल को
एग्जैक्ट मिड विकेट साइड में और स्क्वायर लेग रीजन पे मार सकते हो। अगर आपने अपना बॉडी का बॉल से इंपैक्ट ऑफ स्टंप के बाहर किया तो यहाँ से बॉल के लॉफ स्ट्रेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको इंपैक्ट अपना बॉडी के सामने करना है। थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप जब इंपैक्ट कर रहे हो तो आपके दोनों हाथ के एल्बोज एक्सटेंड रहने चाहिए, ऐसे करके एल्बो बेंड रहेंगे तो आप बॉल को एक्यूरेट एलिवेट नहीं कर पाओगे, तो आपके एल्बो दोनों एक्सटेंड रहने चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट, आपका जब इंपैक्ट हो रहा है जस्ट आफ्टर इंपैक्ट, आपका बैट का फेस सेट करना है आपको विद द हेल्प ऑफ बॉटम हैंड। यहाँ से जैसे आपने इंपैक्ट किया, बैट का फेस सेट करना है यहाँ से, और बैट की आपकी फिनिश होगी, ये आपके इस शोल्डर से स्टार्ट होगा और इस शोल्डर फिनिश होगा, ये पूरा पूरा इसके स्किल आपको जो फॉलो करना है। ठीक है, थोड़ा टॉप पे लगा लेकिन बॉल बाउंड्री तक कैरी कर जाएगा। गुड शॉट, शाबाश, गुड शॉट शाबाश। ट्रिगर मूवमेंट बहुत जल्दी कंप्लीट करना है। शॉट अनिल, बहुत बढ़िया, शाबाश। बॉडी को रोटेट करोगे तो बॉल अच्छा स्पीड से जाएगा। शॉट चला, ये भी ठीक है, गुड शॉट, मत बैठा। ठीक है, बॉडी के वेट का यूज़ करना है बॉल में स्पीड डालने के लिए। चलो, अभी दो जगह पे हमें थोड़ा सा काम करना है। एक तो करना है क्या, जो स्टांस लिया है तो मेरे बॉल को हिट करने से पहले अपना ट्रिगर मूवमेंट कंप्लीट कर ले, जो भी तेरा ट्रिगर मूवमेंट है वो कंप्लीट कर ले। दूसरा, अंदर से थोड़ा डर निकालना पड़ेगा, शॉर्ट पिच बॉल को फेस करने के लिए एकदम डर तो बिल्कुल होना ही चाहिए। ये रेडी रहना कि अगर शॉर्ट पिच बॉल मिल जाएगा तो मैं मार दूंगा बॉल बाउंड्री के बाहर, चौका या छक्का जो भी के लिए। जब तुम्हारा माइंड सेट रहेगा, मतलब बिना फियरलेस बैटिंग करोगे, दिमाग में कोई डर नहीं रहेगा, तो फिर तुम शॉर्ट पिच बॉल को बहुत अच्छा मार सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें कहीं डर लगे कि बॉल मेरे कहीं बॉडी पर लग जाए, तो शॉर्ट पिच बॉल पर कभी शॉट नहीं मार सकते हो। तो कुछ बॉल शॉट अच्छे मारें, कुछ बॉल ट्राई करेंगे, पहले ट्रिगर मूवमेंट बहुत जल्दी करना है और थोड़ा डर नहीं, डरना नहीं है। ठीक है, कम ऑन, लेट्स गो, चलो दम से करेंगे। गुड शॉट, शाबाश, फ्रंट फुट को थोड़ा फ्री कर देंगे, बॉडी रोटेट जल्दी हो जाएगी, शाबाश। ये बहुत बढ़िया, गुड शॉट अनिल, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, गुड शॉट। ठीक है, बॉल निकल जाएगा बाउंड्री तक, शाबाश, वेल लेफ्ट, शाबाश। ऑप्शन से बॉल खींचा इसलिए बॉल हवा में उठ गया, ऑप्शन से बॉल नहीं खींचना है, वेल लेफ्ट। इससे पहले एक दूसरी ट्रेनिंग को ये ड्रिल कराई थी, उसका एक्सपीरियंस पूछा मैंने, और इसको ड्रिल कराइए, पहली बार ड्रिल कराई मैंने भाई, ये कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की है अपनी एकेडमी में। तो मैं पूछता हूँ इसका सेल्फ एक्सपीरियंस कैसा रहा शॉर्ट पिच बॉल पे, मतलब एक बाउंस बॉल से जब शोल्डर मिल रहा है और स्पीड के साथ में, तो पूछता हूँ इसको क्या कुछ नया मिला करने के लिए। हम लोग पुल पहले भी खेलते थे पर उसमें हमें टाइम रिएक्शन टाइम सही मिलता था, लेकिन आज हमने जो पुल खेले उसमें बॉल लगभग 130 प्लस आ रहा था, इसलिए हमें रिएक्शन टाइम कम मिल रहा था। तो आज पुल मारने में अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और मज़ा आया खेलने में। तो मैंने ये ड्रिल इसलिए कराई थी क्योंकि इस ड्रिल में क्या हो रहा है, बैट्समैन को टाइम बहुत कम मिल रहा है रिएक्ट करने के लिए। ये ड्रिल का स्पेशली मेन मोटो यही है कि जब बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं तो क्या होता है, मैं ये ड्रिल में जो उसको बॉल फीड कर रहा हूँ, करीबन ये इसको मैं बॉल फीड कर रहा हूँ 40 फीट से, लेकिन बॉलर जो बॉल फेंकता है वो 66 फीट से फेंकता है। और मेरा जिसमें मेन मेरा मोटो है कि इसमें बैट्समैन का रिएक्शन टाइमिंग बहुत कम रहे, इससे उसका जजमेंट बहुत इंप्रूव हो जाए। आपको जब ये ड्रिल आप एकेडमी में करो तो मेक श्योर आपके सामने जो बॉल फीड कर रहा हो उसकी एक्यूरेसी अच्छी हो, बॉल आपको कंधे पे के आसपास बॉल फीड हो। दूसरा, आप जब ये ड्रिल कर रहे हो तो पूरा बॉडी के सारे इक्विपमेंट पहनो, लेग गार्ड सारे इक्विपमेंट। और तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पहले से पुल खेलना आना चाहिए, जब आप इस ड्रिल पे परफॉर्म कर सकते हो। अगर पहले से पुल आपने कभी खेला नहीं है तो आप इस ड्रिल पे इजीली परफॉर्म नहीं कर पाओगे, तो आपको ड्रिल करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो गिव मी थम्स अप, कीप सपोर्टिंग मी।